आप देख रहे हैं आरपीकेपी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं आरिफ खान, आरपीकेपी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं कैमूर नगर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। लोग अगर जरूरत में ही आपको याद करते हैं तो बुरा बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद भी तभी आती है जब अंधेरा होता है। इन्हीं बातों में खड़े उतरते नजर आए बाल गंगाधर तिलक वार्ड क्रमांक 1 कटनी के रहवासी। जैसा कि हम सभी के संज्ञान में आ चुका है, कोरोना वैश्विक महामारी ने प्रचंड चरण कटनी जिले के अंदर रख दिया है और अल्प समय में कटनी की जानी मानी हस्ती को इस महामारी ने अपने आंचल में समेट लिया। बावजूद इसके वार्ड क्रमांक 1 बाल गंगाधर तिलक के रहवासी द्वारा बारिश के मौसम में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आज बहुत हिम्मत दिखाते हुए आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है कि कैसे वहां के पार्षद को बारंबार कहने के बावजूद भी यह गंदगी साफ नहीं हो रही है। सड़कों गलियों में पानी कूड़ा करकट जैसी महामारी भरी पड़ी है, जहाँ निरंतर बच्चों का और बड़ों का सभी का आवागमन लगा रहता है, जो कि बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई घटना घटित होने के बाद प्रशासन जागरूक हो। आम जनमानस के द्वारा आरपीकेपी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से जानना चाहते हैं कि इस लापरवाही की जवाबदाही किसके सिर में होगी। रहवासियों के द्वारा बारंबार अवगत कराने पर भी संबंधित अधिकारियों ने मौन क्यों धारण किया हुआ है। रिपोर्ट मतीन खान, जिला ब्यूरो चीफ के साथ राजेश कुमार तिवारी, कटनी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम बिली रजक। धन्यवाद। में बच्चों को है ना परिवहन निकलने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। नगर निगम द्वारा टैक्स लिया जा रहा है और टैक्स पूरा लिया जा रहा है, बट उसका हम लोगों को प्रॉफिट कोई बेनिफिट है ना। तो हमारा यही कहना है कि यहाँ पर यदि हो सके तो थोड़ा सा है ना जल्दी। तो आपने कुछ आवेदन दिया हुआ है नगर निगम में इसके लिए? आवेदन तो लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो महापौर जी का क्या कहना है इस विषय में? कुछ नहीं बोलते हैं, कोई शिकायत भी लेके जा रहे हैं। वर्षों से आप लोग इसी कंडीशन में रह रहे हैं? अभी तो हमको 4-5 साल ही हुए हैं। 5 साल से आप लोग इसी कंडीशन में रह रहे हैं? क्या नाम है आपका? निधि त्रिपाठी। धन्यवाद। आते हैं बहन जी? नहीं, 8-10 दिन से नहीं आए हैं। तो आपने इसकी जानकारी नगर निगम को दी है? दी है। क्या बोलते हैं वो? सुनते ही नहीं है, 5 बजे से आते ही नहीं है। यहाँ पर कोई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर नगर निगम ने कोई दवा का छिड़काव वगैरह ऐसा कुछ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। इस विषय में पार्षद जी से आपकी बात हुई है? पार्षद जी से बात नहीं हुई है। और क्या कहना चाहेंगे आप नगर निगम को, आपके वार्ड का ये काम जो रुका हुआ है? ये देख लीजिए, क्या कहना चाहेंगे, यही देख लीजिए, डाला है ये सब। चलिए ठीक है, धन्यवाद। वो कभी भी इस बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अक्सर ये कह दिया कि भैया हमारे यहाँ वोटर्स नहीं है और इसीलिए हम यहाँ काम। वैध कॉलोनी नहीं है, वैध कॉलोनी, ये वैध कॉलोनी नहीं है। वैध कॉलोनी ना होने के बाद भी ये सीवर लाइन वगैरह सब डाल रहे हैं। ये मेरा एक चीज कहना है कि ये बाल गंगाधर तिलक वार्ड यहाँ से लेके पन्ना मोड़ से लगता है। अच्छा, तो क्या ये बाल गंगाधर तिलक वार्ड के अंतर्गत नहीं आता? वहाँ की रोडें उनने बनवा दी। नहीं, वो वैध कॉलोनी क्या? टैक्स दिया जा रहा है? नहीं नहीं, हम लोगों के द्वारा टैक्स दिया जा रहा है, जो ईयरली चार्जेस होते हैं तो नगर निगम का टैक्स भरा जा रहा है। अच्छा। नहीं, हमारा ये कहना है कि वहाँ से बाल गंगाधर तिलक वार्ड लगता है तो वहाँ पे उन्होंने रोड बना दी, तो कि ये बाल गंगाधर तिलक वार्ड का एरिया नहीं आता क्या? पार्षद अच्छा। तो वो यहाँ के भी हैं। अच्छा, तो ये भेदभाव वाली राजनीति हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। हम लोग यहाँ पे दूसरी जगह से आके बसे हुए हैं, तो हम लोग वोटर से यहाँ पे हमारी लिस्ट नाम नहीं जुड़ा है, तो इस वजह से वो हम लोगों के यहाँ पे कोई काम नहीं करा रहे हैं। बोले आप लोग हमारे वोटर नहीं है इसलिए हम आपके यहाँ का काम नहीं कराएंगे, और ये खुली उनने कई बार ये बात कही है। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार बिचपुरिया। आप भाई साहब कुछ बताना चाहेंगे? हमारे यहाँ आप पहले इधर ही देखें तो यहाँ से वहाँ तक पानी भरा हुआ है। जी जी, देख रहे हैं हम लोग। यहाँ से बच्चों का आना जाना जी, काम करना, निकलना, किसी बच्चों को स्कूल जाना है जी, जी। महिलाओं को बाजार जाना है पैदल तो नहीं जा पाते हैं। अच्छा, यहाँ तरह तरह की परेशानियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, हमारे यहाँ हर आदमी, बड़ा आदमी नहीं है जिसके पास अपनी साइकिल के साधन हो, मोटरसाइकिल के साधन हो, जो इसको पार करने में हम लोग सुविधा महसूस करें। बच्चे कई बार पैदल जाते तो स्कूल जाते समय उनकी ड्रेस ही यहाँ खराब हो जाती है। अच्छा, और अच्छा। फिर स्कूल में जाने के बाद बच्चों को डांटा जाता कि ये कैसी ड्रेस पहन के, बच्चे करें क्या यहाँ से जाने के लिए, क्या पार करने के लिए नाव खरीदना पड़ेगी हमें? जी जी, बताएं आप।
पार्षद महोदय से पूछा गया कि भाई हमारे यहाँ की रोड निर्माण या हमारे यहाँ मलमा वगैरह डलवाया जाए, तो उनका कहना है कि भाई यहाँ हमारा आपकी कॉलोनी वैध नहीं है। अच्छा अच्छा, वैध कॉलोनी ना होने के चले नहीं है हमारी वैध कॉलोनी, तो हमारी सीवर लाइन क्यों डली जा रही है? जी जी, क्यों इसमें पैसा मिलता है, इसलिए सीवर लाइन का काम कराया गया। रोड का काम नहीं कराया गया, उन्होंने साफ बोल दिया भैया हमारे यहाँ इधर वोटर नहीं है हमारे, ना हमारा कोई काम है यहाँ, वैध कॉलोनी नहीं है, जब तक कुछ नहीं होगा हम कुछ नहीं करा पाएंगे। अच्छा, उनसे बोला गया रात अंधेरी है, बच्चे महिलाएं आ रही हैं जा रही हैं, लाइट की प्रबंध कर दिया, बोले नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे हम यहाँ। अच्छा, साहब उनका कहना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार गुप्ता, मोनू। धन्यवाद। तुम गड्ढो गड्ढो की फोटो लोगे तो किस तरह की समस्या है भाभी जी आपके इस बार में? यहाँ इस बरसात के मौसम में पूरे बाढ़ में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जैसा देख रहे हैं आप लोग कि हमारे घर के आसपास हमारे जितने भी पड़ोसी लोग हैं वो सभी परेशान हो रहे हैं और सबके घर जो है इस तरीके से पानी में डूब रहे हैं और बच्चे खास करके बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं घर से और उनको जाना भी पड़ता है यदि बाहर, तो पानी में पूरे डूबते हुए बाहर जाते हैं। रात में बच्चे गिर जाते हैं, जेंट्स लोग भी आते हैं तो उनकी भी बाइक वगैरह फिसल जाती है, तो भी गिरने की समस्याएं रहती हैं। यहाँ पर कोरोना महामारी में अभी प्रशासन और नगर निगम इतना कार्य कर रहा है, तो प्रशासन को आपने बताया कि इससे किस तरह की महामारी फैल सकती है? हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर कई बार यहाँ पे कंप्लेन भी किया है कि हमारी बाढ़ की सुविधाएं की जाए यहाँ पर, क्योंकि अब बहुत लोग यहाँ पे रहने लगे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत पाइपलाइन डली भी, उसके बाद खोदने के बाद वो छोड़ गए हैं, उसके बाद आगे कोई कार्य नहीं। नगर निगम के कोई कर्मचारी नहीं आता? नहीं, यहाँ पर अभी कोई भी नहीं आते हैं और कई बार कंप्लेन डालने के बाद भी वो नहीं आ रहे हमारे। पार्षद जी का क्या कहना है इस विषय में? पार्षद जी को कहना रहता है कि पहले वोट डालिए, पर हम लोगों को पहले सुविधाएं दे तभी वोट डालिए। अच्छा, आप लोगों ने वोट नहीं किया उनको इस वजह से? वो नहीं, वोट डालते हैं हम लोग, जब चुनाव होगा तब वोट डालेंगे, उसके पहले तो हमारे यहाँ की पूरी पब्लिक परेशान हो। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही समस्याएं हैं जो दीदी जैसे बताया आपने, यहाँ पर हर साल की यही समस्याएं हैं। अच्छा, निकलना वो हो जाता है और कभी मान लो गड्ढा भी हो गया तो अब गाड़ी या बच्चों को दिखता नहीं है, जाने वालों को, तो उससे बहुत असुविधा होती है। जैसे अभी स्कूल चालू होंगे तो इसमें फिर बच्चे कैसे जाएंगे? स्कूल की तो और समस्या हो जाएगी, जो ऑटो आएगा बस आएगा वो सब मतलब चक्के के चक्के ऐसे धस जाते हैं कि फिर स्कूल जाना तो दूसरा है और भी बच्चों को परेशानी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम विधि रजक। धन्यवाद। में बच्चों को है ना परिवहन निकलने में बहुत ज्यादा समस्या होती है। नगर निगम द्वारा टैक्स लिया जा रहा है और टैक्स पूरा लिया जा रहा है बट उसका हम लोगों को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना। अच्छा, तो हमारा यही कहना है कि यहाँ पर यदि हो सके तो थोड़ा सा है ना जल्दी। तो आपने कुछ आवेदन दिया हुआ है नगर निगम में इसके लिए? आवेदन तो लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो महापौर जी का क्या कहना है इस विषय में? कुछ नहीं बोलते हैं, कोई शिकायत भी लेके जा रहे हैं। कितने वर्षों से आप लोग इसी कंडीशन में रह रहे हैं? अभी तो हमको 4-5 साल ही हुए हैं। 5 साल से आप लोग इसी कंडीशन में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? निधि त्रिपाठी। धन्यवाद। आते हैं बहन जी? नहीं, 8-10 दिन से नहीं आए हैं। तो आपने इसकी जानकारी नगर निगम को दी है? दी है। क्या बोलते हैं वो? सुनते ही नहीं है, पानी वजह से आते ही नहीं है। यहाँ पर कोई, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर नगर निगम ने कोई दवा का छिड़काव वगैरह ऐसा कुछ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। इस विषय में पार्षद जी से आपकी बात हुई है? नहीं, पार्षद जी से बात नहीं हुई है। और क्या कहना चाहेंगे आप नगर निगम को, आपके वार्ड का ये काम जो रुका हुआ है? ये देख लीजिए, क्या कहना चाहेंगे? यही देख लीजिए, डाला है ये।